भारतवर्ष में धनतेरस का महापर्व मनाया जा रहा है। इस दिन धन के देवता कुबेर की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दीपावली के दो दिन पहले धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार मान्यताओं के अनुसार धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास पूजा की जाती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के विदिशा में एशिया की ऐतिहासिक कुबेर प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि यह प्रतिमा बैस नदी में पड़ी हुई मिली थी। लोग इस प्रतिमा पर कपड़ा धोने का काम करते थे। करीब 3 दशक पहले इस प्रतिमा को जिला संग्रहालय में स्थापित किया गया था। इसी के साथ यह भी बताया गया था कि देश में सिर्फ 4 जगहों पर भगवान कुबेर की प्रतिमा मौजूद है, जिसमें राजस्थान के भरतपुर, उत्तर प्रदेश की मथुरा, मध्य प्रदेश के विदिशा और दक्षिण भारत में एक जगह पर भगवान कुबेर प्रतिमा के रूप में मौजूद हैं। वहीं विदिशा में मौजूद भगवान कुबेर की यह प्रतिमा एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। विदिशा के जिला संग्रहालय में 10वीं-11वीं शताब्दी के भगवान कुबेर की प्रतिमा पर विगत 2005 से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ये बड़ी पाषाण प्रतिमा है। इसकी पूजा अर्चना करने से हमको सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ये प्रतिमा सम्राट अशोक की ससुराल ब्यास नदी में प्राप्त हुई थी। इस पर लोग कपड़े धोते थे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये भगवान कुबेर की प्रतिमा है, उसको जिला संग्रहालय में स्थापित कर दिया गया है। ये एशिया की सबसे विशाल प्रतिमा है, लगभग 12 फुट की है। ऐसी प्रतिमा हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 4 स्थानों पर पाई जाती है। एक उत्तर प्रदेश के मथुरा, दूसरा राजस्थान के भरतपुर, तीसरी सम्राट अशोक की ससुराल विदिशा में ये प्रतिमा है। एक चौथी दक्षिण भारत में स्थापित है। इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करने से हम 2005 से कर रहे हैं। धनतेरस के दिन हम लोग यहाँ भगवान कुबेर की पूजा अर्चना करने के लिए जिला संग्रहालय में आए हैं। ये 10वीं शताब्दी के कुबेर भगवान हैं, जो कि स्वर्ग के खजांची, देवताओं के खजांची माने जाते हैं। कुबेर भगवान की यह प्रतिमा 10वीं-11वीं शताब्दी की है, और इस तरह की प्रतिमाएं देश में 4 हैं, और एशिया में जो सबसे बड़ी कुबेर भगवान की प्रतिमा है वो विदिशा में विराजमान है जिला संग्रहालय में। हम लोग इनकी पूजा अर्चना कर हमारे ज़िले को, कुबेर भगवान से हमने प्रार्थना करी है हमारे ज़िले को धन धान्य पूर्ण रखें, हमारे प्रदेश को धन्य धान्य पूर्ण रखें, ऐसी ही हमने कामना की है। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।